और हमने आम आदमी पार्टी से शिरकत किया था, इसी को लोकसभा से मैं उम्मीदवार था। लेकिन बड़ा स्नेह था, बड़ा आत्मविश्वास था कि कोई बंदा आया चीजों को बदलने के लिए। लेकिन स्नेह स्नेह जब समय कटता गया, जब व्यक्ति चेयर पर बैठता है तब उसकी असलियत सामने आती है। जिस कांग्रेस को विरोध करके आप मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल बने, उसी कांग्रेस का दामन में आप बैठ गए। अब भ्रष्टाचार आपको अन्ना हजारे को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया। अब आपको जो उसके मुख्यमंत्री के सेकंड हैंड है, जो संसदीय कार्य मंत्री है, लोग कहते हैं रोड खराब है, नाली खराब है, ग्रामीण का विकास नहीं हुआ, तो ग्रामीण विकास मंत्री ही जब चोर है तो विकास कहां से होगा? खुलेआम 1.5% आप लेते हैं, आपके नौकर के नौकर के पास 40 करोड़ निकल। कल्पना में ही रहने दो, उसे जमीन पर मत उतारो, कल्पना को कल्पना में ही रहने दो। मैंने पढ़ा है प्रेमचंद, किसी पत्नी ने अपने चोर पति को बचाने का कर्म किया तो वो पत्नी भी उतनी ही दोषी होती। पाकिस्तान बॉर्डर में जाकर के गोली चला रहे थे इसलिए वो जेल में नहीं गए। आदिवासियों की जमीन की चोरी का नाम नहीं लेते। विनोद सिंह के मुंह में नहीं निकलता है कि 400 करोड़ का घोटालेबाज वो धीरज साहू और ये 40 करोड़ का घोटालेबाजी आलमगीर आलम के खिलाफ विनोद सिंह नहीं बोलेंगे। उसके जो आका है कौन, भट्टाचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य। अपने लाइफ का 15 साल समय बिता के आई हूँ, इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ, पर मुझे मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए और कोई नहीं थे? उनके कार्यकर्ता जो वर्षों से उनके झंडा ढो रहे हैं, उसमें से किसी को इन्होंने क्यों नहीं पार्टी वाले लोग निकाला? तो उनकी पत्नी को आप, मुख्यमंत्री की पत्नी को ला के यहाँ गांडे शुरू से चुनाव पे खड़ा करा दिए। उससे पहले आपने सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया, उनका रास्ता साफ किया, फिर भी नहीं संभाल पाए, अब अपने घर के बड़े बहू को भी नहीं संभाल पाए, आखिर आप से इतना निराश हो गए कि वो भाजपा का दामन थाम ली? जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी पंचायत के बिशनपुर का यह गांव, जहां पर यह रोड जो है आप देख पा रहे हैं NH 114 और ये बगल में चाय की दुकान है, माई की चाय बेचती है और यहाँ चाय पीने के लिए गांव ग्रामीण के काफी तादाद में लोग आते हैं और जो एक से बढ़कर एक VIP अगर जाते हैं तो वो भी आकर के यहाँ रुक करके चाय पीते हैं। उन्हीं VIP में से एक और देखिए यहाँ पर VIP से आप लोगों को अभी मुलाकात और भेंट करवाते हैं, जो अपने आप में नामचीन है, पहचान कराने की जरूरत नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुके हैं, राजनीतिक के क्षेत्र में भी उथल पुथल मचा चुके हैं और इस बार जो राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे हैं वो वाकई काबिले तारीफ कहा जाएगा, क्योंकि इस बार का जो कदम है काफी काबिले तारीफ वाली बात कही जा रही है, मानी जा रही है। क्या है हम लोग बात करेंगे, लेकिन गांव वालों से सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद नेताजी के पास चलेंगे और उनसे हम लोग बात करेंगे क्या मामला है, क्या चल रहा है माहौल, उनसे हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं गांव वालों से। भैया इधर क्या माहौल चल रहा है आप लोगों की तरफ? यहाँ BJP का वोट जाएगा। BJP का वोट जाएगा, कौन से गाँव से? BJP से, बिशनपुर से। बिशनपुर से, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बजरंगी मंडल। क्या भैया चल रहा है इधर? यहाँ तो सब सही चल रहा है सर, सब BJP का बोलनामा है यहाँ। सब BJP का, सब BJP। कल्पना सोरेन का नहीं जा रहा है काबुल? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहे नहीं जा रहा है। अब अभी सोच यहाँ पब्लिक का ऐसा ही है कि BJP को वोट देना है। हाँ। और BJP अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग का यही सोच है कि BJP अच्छा है। अच्छा, देखिए किधर जा रहा भैया यहाँ का वोट? यहाँ का देखिए, अभी तो सुनने में आ रहा है कि BJP में ही जा रहा है पूरा गाँव। BJP सुनने में तो आ रहा है उसी तरह का। हाँ भैया नागेश्वर जी। हाँ सर, क्या चल रहा है इधर माहौल अभी? यहाँ तो BJP का चल रहा है सर। BJP का चल रहा है, खुलेआम BJP की जगह दूसरा किसी को जाएगा? अभी वोट नहीं देना है? नहीं देना है, रहन देना भैया। क्या देना है इसको, सब आलतू फालतू आदमी को वोट? सब अपना सुरन आलतू फालतू है, सब अपना जेब के लिए समर्थन है। कल्पना सुरन को अगर जीतना ही था तो अपना क्षेत्र से जीतता, गांडे में आके जीतने की क्या जरूरत था उसको? तो अपना क्षेत्र तो उसका रांची है। हाँ, तो उधर ही जीतना चाहिए ना, अपना क्षेत्र में जाना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था इधर। BJP इधर चलेगा, बेकार आ गई है क्या? बेकार नहीं आया, अपना मतलब से जाएगा, अपना मतलब से उसको रोक, अपना मतलब से जाएगा, अपना मतलब से। देख पा रहे हैं कल्पना सोरेन का यहाँ पर खुल के विरोध हो रहा है। आप भैया? BJP का वोट ही जाएगा और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हिंदू है तो BJP को वोट दो, हिंदू है तो BJP वोट दो, चाहे मुसलमान है तो BJP वोट नहीं, सब गद्दार है, सब गद्दार है। मतलब हिंदू बढ़िया है? हिंदू बढ़िया नहीं है, BJP जो है सो सबके दिलों में छा गया है। हाँ, दिलों में छा गया भैया। BJP सब BJP है, पूरा गांव का हो। जय हिंद, जय भारत। BJP काम आई, तोरा का विचार हो? नहीं, अभी पुलायन करिया से क्या कर में तकरे दबन तो सर बटक दबे तकरा BJP का दबाओ। हां, दूसरा दबाओ। जय हिंद, जय भारत। अरे सर देख रहे, बड़ा माहौल इधर थोड़ा क्रिएटिव चल रहा है। केदार मंडल जी है, बड़े पुराने वयोवृद्ध यहाँ के हैं, इनसे खुल करके मामला आएगा कि किस पार्टी का वोट इस गांव से इस क्षेत्र से जा रहा है, क्या चल रहा है बताइएगा। ये बिशनपुर का तमाम वोट हमारा BJP में जा रहा है। हाँ। और जाने का कारण है कि उनका ऐसा चिन्ह है। हाँ। ये धरती से स्वर्ग में ले जाने वाला एक कमल फूल है। कमल फूल है, धरती से स्वर्ग ले जाने वाला एक कमल फूल।
कमल फूल है, दूसरा कौन है? कमल फूल तो वैसे भी राष्ट्रीय मारने के लिए तैयार है हमारा कल्पना सर, ऐसा छाप छिप रखिए जो कम से कम माने कुछ हो। अच्छा अच्छा, मतलब वो तीर धनुष जो टाना से मारने के लिए, मारने के लिए। और कहता दीपू हम लोग को मत, दीपू को मत देखिए, खाली हम लोग होट को देखिए, तो होट को देख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बीजेपी की तरफ वोट देना, कल्पना सोरेन को वोट नहीं देना, मांगने के लिए आ रही है वोट जी सर। ये करेगा तो उनको भी स्वागत करेंगे, लेकिन वोट जाएंगे बीजेपी, वोट बीजेपी को देंगे। देखिए बड़ा मामला इधर चल रहा है, आप जी चाचा जी सब बीजेपी है, पूरा गांव बीजेपी, क्या पूरा गांव बीजेपी के लिए बड़ा खुशखबरी है कि पूरा तोर चाचा ककरा ककरा देव करें ओके होता है सब बीजेपी का। तो देखिए चलिए कोई बात नहीं है, पूरा गांव बताया जा रहा है कि यहां बीजेपी का माहौल है और बीजेपी में लोग भाजपा को वोट करने के लिए तैयार हैं, कल्पना सोरेन से नफरत कर रहे हैं लोग। हम लोग आप ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाने के लिए जा रहे हैं जो आप लोग शायद देखेंगे और आप लोग से अभी हम बात भी कराएंगे, रूबरू भी करवाएंगे। तो विजय चौरसिया जी हुए पत्रकार, हम लोगों के बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, और यूं कहे कि भाजपा में इनका कदम है और हमारा पहला इंटरव्यू है, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भैया जी, ये अचानक लोगों को सरप्राइज आप दे रहे हैं या कैसे आपकी मति इधर आ गई, थोड़ा जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए जगन्नाथ भाई, जैसा कि मैं पत्रकार रहा हूं जी, और मिजाज अभी भी पत्रकारिता वाला ही है जी, जी। और आप पत्रकार हैं जी, जब व्यक्ति होश संभालता है, जब किशोरावस्था में आता है और जब दुनिया के संघर्ष से वो परिचित होता है, तो उनमें से हमारे और आपके जैसे कुछ व्यक्ति पान की गुमटी और दुकान ना खोल करके ये माइक थामता है, एक कलम थामता है, इसलिए थामता है कि उसके दिलों में कुछ बदलने का, कुछ कर गुजारने की आग और ज्वाला प्रज्वलित होती है। और नहीं तो कोई मुफलिसी में लेकर के, आप जानते हैं पत्रकारिता में क्या रखा है, कोई किसी को पेमेंट नहीं देता, हम कुछ बदलाव की चाह के साथ कलम पकड़ते हैं या इस माइक को थामते हैं। तो हमें भान होता है कि जो चीजें चल रही है वो चलनी नहीं चाहिए, जो चीजें जिस रूप से चल रही है उस रूप से नहीं चलनी चाहिए। एक पत्रकार चीजों को बढ़िया से मनन करता है, समझता है, भान करता है कि आखिर लोगों की लालसा क्या है, समाज के लिए बढ़िया क्या है, इस देश के लिए बढ़िया क्या है और मानवता के लिए बढ़िया क्या है। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा जगन्नाथ जी, मेरा 30 साल का लंबा सफर है पत्रकारिता का, आप जानते हैं, और कोई दाग नहीं है। इस बीच में केजरीवाल साहब का जब पदार्पण हुआ तो आप जानते हैं कि मैंने केजरीवाल साहब का दामन पकड़ करके, मुझे लगा कि एक बदलाव की बयार बहेगी, और हमने आम आदमी पार्टी से शिरकत किया था, इसी कोडरमा लोकसभा से मैं उम्मीदवार था, लेकिन बड़ा स्नेह था, बड़ा आत्मविश्वास था कि कोई बंदा आया चीजों को बदलने के लिए। लेकिन स्नेह स्नेह जब समय कटता गया, जब व्यक्ति चेयर पर बैठता है तब उसकी असलियत सामने आती है। जिस कांग्रेस को विरोध करके आप मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल बने, उसी कांग्रेस का दामन में आप बैठ गए, अब भ्रष्टाचार आपको, अन्ना हजारे को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया, अब आपको भ्रष्टाचार नहीं नजर आता है। यहाँ इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कल्पना सोरेन जी हैं, अभी आलमगीर आलम जो उसके मुख्यमंत्री के सेकंड हैंड हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, लोग कहते हैं रोड खराब है, नाली खराब है, ग्रामीण का विकास नहीं हुआ, तो ग्रामीण विकास मंत्री ही जब चोर है तो विकास कहाँ से होगा? खुलेआम 1.5% आप लेते हैं, आपके नौकर के पास 40 करोड़ निकलता है, वो अभी अंदर चले गए। तो आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार में डूबी इन सारे चोरों का जो गठबंधन हुआ है, जिसको बड़ा खूबसूरत नाम इन लोग इंडिया गठबंधन दे दिया है, इससे आहत होकर के मुझे लगा कि अब हमें इस माइक को छोड़ देना है, अब इस कलम को थोड़ा विराम देना है। हमारे बहुत सारे भाई है हमारे सहयोग के लिए, और मुझे इस मुख्य धारा में आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ, जो विश्व के नेता हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी के नेतृत्व करता है, उसके कदम से कदम मिला करके मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति को एक कार्यकर्ता के रूप में चलना चाहिए। और अगर मैं नहीं चला तो मैं समझता हूं कि पाप का भागीदार हो जाऊंगा, क्योंकि जो बातें आ रही है इसके गठबंधन के जो साथी है फारूक अब्दुल्ला साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है, कैसी भाषा है? अभी आपने सुना सारे लोगों से, क्यों किसी ने इनको कुछ दिया है क्या? कोई दिया है भाई आप लोगों को कुछ, जो भाजपा भाजपा जांच रहे हैं? इसलिए कि भाजपा जो भारत के लोग हैं, जो भारत के जुआ है, उसके कण-कण में राष्ट्रवाद विराजता है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि कल्पना को कल्पना में ही रहने दो, उसे जमीन पर मत उतारो, कल्पना को कल्पना में ही रहने दो। मैंने पढ़ा है प्रेमचंद का एक उपन्यास गोदान या कुछ था,
मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें प्रेमचंद साहब ने कोट किया था, लिखा था कि अगर किसी पत्नी ने अपने चोर पति को बचाने का कर्म किया तो वो पत्नी भी उतनी ही दोषी होती है। हेमंत सोरेन कोई पाकिस्तान बॉर्डर में जाकर के गोली चला रहे थे इसलिए वो जेल में नहीं गए, आदिवासियों की जमीन की चोरी करने में जेल गए। भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बह रही, आप गिरिडीह में देख लीजिए, सारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार में अकाउंट डूबा हुआ है। विनोद सिंह उसका नाम नहीं लेते, विनोद सिंह के मुंह में नहीं निकलता है कि 400 करोड़ का घोटाले बाज वो धीरज साहू और ये 40 करोड़ का घोटाले बाज आलमगीर आलम के खिलाफ विनोद सिंह नहीं बोलेंगे। उसके जो आका है कौन, भट्टाचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य, वो नहीं बोलेंगे। एक पत्रकार के नाते कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर जब आप इसी राजद का विरोध करके, इसी कांग्रेस का विरोध करके, उस समय तो भाजपा थी नहीं, आप अपनी पार्टी बनाए, आप 2-4 MLA जिता लिए, अब क्या हो गया, आप ये लोग ईमानदार हो गए क्या? तो दीपांकर भट्टाचार्य मुझे बोले थे, मेरे चैनल में भी डाला हुआ है, कि बोले थे कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो लूटतंत्र लाना है क्या? और मैं तो कहता हूं कि अब देश बचाने की बारी आ गई है, नहीं तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो बोल रहा है कि पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है, ये तो पाकिस्तान वाले भी नहीं बोलते जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, और उसी के साथ इन लोग का गठबंधन है। अभी POK का आपने देखा होगा सोशल मीडिया में और चैनलों में भी बहुत तरीके से आया कि वो लोग भारत में मिलना चाहता है, तिरंगा लहराना चाहता है। तो इस तरह से छवि पूरे देश, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी का है, और ऐसे में हम लोग एक गिलहरी का रूप भी ना निभा पाए तो मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा साकार नहीं हो सकता। यही सब विचार करके जगन्नाथ जी हमने भाजपा का दामन थामा है। क्या बात है, तो देख पा रहे हैं अपनी दर्द दिल की कहानी विजय चौरसिया, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं और पत्रकार से राजनीति की ओर कदम रखे हैं, और निश्चित रूप से मेरी शुभकामना इनके साथ है, ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और राजनीतिक में परचम लहराए और साथ ही साथ ऐसा स्थान बनाए ताकि जनता का भला हो, लोगों का भला हो, क्षेत्र का विकास हो। या BNB भी कामना करती है, शुभ मंगल कामना करती है। यहाँ मैडम भी आई हुई है, मैडम से भी थोड़ा दो शब्द हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि मैडम भी साथ है। क्या मैडम, कैसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए, आप लोग इधर आई हुई है? हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं आदरणीय मोदी जी के पसीनों पर हम लोग चल के आए हैं और अन्नपूर्णा देवी जी के जो हमारी सांसद महोदया थी और अभी चुनाव लड़ रही है उनके प्रचार में हम लोग आए, उनका बहुत अच्छा माहौल है इधर, और दिलीप वर्मा जी का भी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैंने एक घर जाके सभी से संपर्क किया, सभी BJP को ही वोट करेंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि मैं JMM में अपने लाइफ का 15 साल समय बिता के आई हूँ, इस पार्टी को ज्वाइन की हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी हमारी जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए और कोई नहीं थे? उनके कार्यकर्ता जो वर्षों से उनके झंडा ढो रहे हैं, उसमें से किसी को इन्होंने क्यों नहीं पार्टी वाले लोग निकाला? तो उनकी पत्नी को आप, मुख्यमंत्री की पत्नी को ला के यहाँ गांडे से चुनाव पे खड़ा करा दिए। उससे पहले आपने सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया, उनका रास्ता साफ किया, फिर सेफ जगह से उनको खड़ा करना चाहा, क्योंकि आप चंपई सोरेन को 4 महीना भी आप मुख्यमंत्री के तौर पे रहने देना नहीं चाहते हैं। तो ये मतलब सिर्फ परिवारवाद में पार्टी लग रही है, क्योंकि आपने अपने जो आदरणीय विष्णु गुरु शिबू सोरेन है, उनकी जो उनके बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, वो भी आ जाई हैं अपने देवरानी के खिलाफ प्रचार में कि उनको वोट ना दिया जाए। आप अपने घर को भी नहीं संभाल पाए, आप अपने घर के बड़े बहू को भी नहीं संभाल पाए, आखिर आप से इतना निराश हो गई कि वो भाजपा का दामन थाम ली, तो कहीं ना कहीं आप उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाए। तो खाली परिवारवाद का तो पार्टी नहीं चलेगा। आप अगर झंडा ढोने वाले को खाली रखना चाहते हैं तो वैसे लोग रह रहे हैं, और बाकी आप उसमें से आप किसी को निकाल नहीं पा रहे चुनाव लड़ाने के लिए। जमुआ आपके पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया से आपकी बात हो रही है यहाँ, जो आप देख पा रहे हैं। मैडम से हम जानना चाहेंगे कि झामुमा में काफी दिनों तक आप रहे, सक्रिय रहे, आप लगातार कई कार्यक्रमों में भी देखी गई, क्या लगा उन्होंने से, आप कहे आपने उन्हें छोड़ा भाजपा में? आप बहुत दिक्कत तकलीफ के साथ हमने छोड़ा जी। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता को खोजा जाता है जी। और बाकी वहाँ पे जो लोग क्रीम लोग बैठे हुए हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पे भ्रष्ट पदाधिकारियों का आप ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देते हैं और उसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाते हैं जी।
तो मैं उनके फिर मुझे लगा कि अब इसमें व्यर्थ समय बिताना, मुझे फिर नरेंद्र मोदी जी का ही ये पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी और मुझे इसी पे चलना चाहिए। तो देख पा रहे हैं मोदी जी के मतलब पद चिन्हों पर चलने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय चौरसिया जी और पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया जो जमुआ की पूर्व प्रमुख है, धर्मपत्नी इनकी है, दोनों कदम से कदम मिलाकर के मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए निकल चुकी हैं और लगातार गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क चला रही हैं और साथ ही साथ भाजपा में वोट देने की अपील कर रही हैं। आगे भी बीएनबी आप लोगों को इसी तरह दिखाती रहेगी, तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।